दिव्यांग जनों ने विकलांग अधिनियम के तहत मांगा आरक्षण। रीट में 4% आरक्षण देने की मांग का कलेक्टर को दिया ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर तले आज विकलांग जन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर तृतीय भर्ती रीट 2018 में दिव्यांग जनों को विकलांग अधिनियम 2016 के अनुसार 4% आरक्षण देने की मांग की है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के अध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज विभाग के अधीन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में उन्हें 4% आरक्षण दिया जाए, साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगजन योजनाओं का लाभ दिलाया जाए, दिव्यांगजन को BPL श्रेणी में जोड़ा जाए, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत सब्सिडी की राशि जल्द दिलाई जाए, लॉकडाउन के समय ₹3,000 की जो घोषणा की गई थी उसका भी लाभ यथाशीघ्र मिले, ऐसी ही मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं COVID-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, BPharma और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट, साथ ही SC ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। नमस्कार सभी विकलांग पार्टियों को, मैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी अध्यक्ष रामेश्वर बैरवा बोल रहा हूँ। और हमारे विकलांगों की जो मांग है, जैसे सरकारी विभाग व निजी विभाग में विकलांगों को कोई सुविधाएँ नहीं दी जा रही है। अभी सरकारी योजनाओं में जो 4% आरक्षण था उसका अभी तक हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला है। रिट 2018 में भी इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है। सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि सभी विकलांग भाइयों को अपना अधिकार दिया जाए, वह समय समय पर जैसे पंचायती राज विभाग और सरकारी विद्यालय हैं उनमें विकलांगों को प्राथमिकता से स्थान दिया जाए। धन्यवाद। और एक निवेदन था कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इंद्रावास योजना है, BPL योजना है, पेंशन वृद्धि है, और अभी जो लॉकडाउन में ₹3,000 देने का सरकार का जो प्रावधान था, केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान ने भी घोषणा की थी कि 35 किलो गाँव मिलेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले। आपको तो सुविधा नहीं मिली? नहीं, सुविधाएँ सब मिल रही है। वैसे राजस्थान सरकार की जो सुविधाएँ हैं जैसे पालनहार योजना, जिन भैया बहनों को नहीं मिल रही है वो कृपया ई मित्र पर पहुँचे, सरकार वैसे दे रही है। कुछ योजनाएं हैं जो नहीं मिल पा रही है, जैसे जो घोषणाएं होती है वो नहीं मिल पाई। आपका नाम? जी मेरा नाम रामेश्वर लाल बैरवा है, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय विकलांग पार्टी।